देश भर में इस महीने दो और अगले महीने एक ग्रहण होगा। इस महीने में आज रात चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा, जबकि 5 जुलाई को फिर से मानदेय चंद्र ग्रहण होगा। इस समय शनि मकर राशि में वक्री होगा। ऐसा योग 1962 में बना था। ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में रहेगा, लेकिन दिन में होने से ये दिखाई नहीं देगा। 5 जून और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण मानदेय है। इसमें किसी भी राशि पर चंद्र ग्रहण का असर नहीं होगा, लेकिन 3 ग्रहण देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप रहेगा। आज चंद्र ग्रहण है और रात्रि को 11:16 पर प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 2:34 तक ये ग्रहण रहेगा। आपको बता दें कि ये उपछाया ग्रहण है, इसका संपूर्ण भारतवर्ष पर खगोलीय घटनाओं में प्रभाव छोड़ेगा। इस ग्रहण का कोई सूतक नहीं है। इस ग्रहण का विशेष रूप से चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए ये मन को काफ़ी अस्थिर कर देने वाला ग्रहण है। ग्रहण कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण कहते ग्रहण लग गया तो ग्रहण के नाम से डर लगता है। हालांकि उपछाया ग्रहण है, इसको नंगी आंख नहीं देखना चाहिए और बहुत से लोग देखते भी तो बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, मगर नंगी आंख नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं ग्रहण को ना देखें और इस ग्रहण के दौरान कोई भी धारदार चाकू वगैरह या किसी प्रकार की भी सब्जी वगैरह धारदार चीज़ से नहीं काटें।